वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी टर्म्स। सबसे पहले हमारे पास टर्म ये है मीडियन सजेटल पेन। क्या होता है? जो प्लेन, जो मतलब लाइन, इमेजनरी लाइन हमारी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर दे, उसको हम मीडियन सजेटल प्लेन कहते हैं। इसके ही पैरल अगर कोई हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें, उसको हम पैरामीडियन प्लेन कहते हैं, जो उसके बिल्कुल पैरेलल हो। सेकेंडली हमारे पास है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या होता है? जो प्लेन हमारे मीडियन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब कोरोनल प्लेन वो होता है जो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, इसको में अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर को में हमारी बॉडी को डिवाइड कर देता है ऐसा प्लेन, इसको हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। और ये प्लेन ऑब्वियसली मीडियन सजेटल प्लेन के, अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखें तो मीडियन सजेटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट प्लेन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। ये भी हमारी बॉडी को मीडियन प्लेन के ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर हाफ्स में डिवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। अब हम एंटीरियर पोस्टीरियर कहते हैं। एंटीरियर सिंपली जो हमारी फ्रंट की बॉडी होती है उसको कहते हैं, पोस्टीरियर हमारी पीछे की बॉडी को कहते हैं। हम अगर अपने हैंड को करें डिस्क्राइब, तो हम इसको एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं कहते, बल्कि हम इसको पामर और डॉर्सल कहते हैं। कैसे? जो हमारी हथेली की साइड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो हम इसको पाल्मर सरफेस कहते हैं, और जो इसकी बैक साइड होती है इसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। अगर हम फीट्स पर आ जाएं, तो जो ऊपर की सरफेस होती है हम इसको डॉर्सल सरफेस कहते हैं ऑफ फुट, और जो इसकी बिल्कुल नीचे की जो सरफेस जो हमारी ज़मीन पर होती है उसको हम कहते हैं प्लांटर सरफेस ऑफ फुट। अब हमारे पास मीडियल लेटरल बॉर्डर है। अब मीडियल लेटरल बॉर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? जो बॉर्डर मीडियन प्लेन से करीब है, फॉर एग्जाम्पल एक ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर, लेकिन ये मीडियन प्लेन से करीब है, इसको हम मीडियल बॉर्डर कहेंगे। और ये वाला प्लेन बॉर्डर है, ये मीडियन प्लेन से दूर है, इसको हम लेटरल बॉर्डर कहेंगे। लास्टली हमारे पास दो और टर्म्स हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अगर हम इस शोल्डर जॉइंट को अपना एक रख लें पॉइंट, तो इससे जो ये एरिया है, जो आर्म है हमारा, ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड हुआ, मतलब करीब है क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट से। और जो ये हमारे पास फिंगर्स है या हैंड है हमारे पास, ये हमारे शोल्डर जॉइंट से दूर है, तो हम इसको कहेंगे डिस्टल एंड ऑफ अपर लिम। मतलब जो करीब होगी उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो दूर हो उसको हम डिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इंटरनल एक्सटर्नल। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को देखें, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्रैनियल कैविटी के अंदर होती है, इसलिए हम उसको इंटरनल कहते हैं। और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो क्रैनियल कैविटी के बाहर होती है, इसलिए हम उसको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। अब हमारे पास इप्सिलेटरल है और कॉन्ट्रैक्टर, दो टर्म्स हैं। इप्सिलेटरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रैक्टर। इप्सिलेटरल सिंपली मीन्स के अगर हमारी बॉडी पर दो स्कार हैं एक ही साइड पर, राइट साइड पर, तो हम उसको इप्सिलेटरल कहेंगे। लेकिन अगर एक स्कार हमारे पास एक राइट पर है और एक स्कार लेफ्ट पर है, तो हम उसको कहेंगे कॉन्ट्रालेटरल। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन सिंपली मीन्स होती है अगर हम अपनी बैक पर लेटे हुए हैं, तो उसको हम सुपाइन पोजीशन कहेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास होती है प्रोन पोजीशन, जिसको अगर हम फेस डाउनवर्ड लेटे हैं, मतलब मुँह नीचे हमारा, कमर हमारे ऊपर है, तो उसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। हम मूवमेंट की हम टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन सिंपली मीन्स होता है, पहले मतलब जैसे आर्म है, अगर आर्म हमारा ऊपर गया, हम ऊपर की तरफ एंटीरियर की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं इसको, तो हम इसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। और अगर हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो हम इसको एक्सटेंशन कहेंगे। हम अगर फॉर एग्जाम्पल आर्म को अपने शोल्डर जॉइंट को अपने एग्जाम्पल बनाएं, अगर हमारा आर्म हमारी बॉडी से अवे जा रहा है, तो हम इसको कहते हैं एबडक्शन। अगर हमारा आर्म पूरा अपर लिम बॉडी के करीब आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे एडक्शन। सेम एज फॉर द हिप जॉइंट, अगर हमारा पूरा लेग लोअर लिम बॉडी से अवे जा रहा है, मीडियम प्लेन से अवे जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एबडक्शन, ABDT। और अगर हमारा लोअर लिम बॉडी से करीब आ रहा है टूवर्ड्स द मीडियम प्लेन, उसको हम कहते हैं एडक्शन। सही है, ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हमारे एल्बो जॉइंट बताई हुई है। ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन नीक जॉइंट है। अच्छा, नीक जॉइंट के लिए हमारे थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया था कि एंटीरियर की तरफ जाती है, लेकिन नी जॉइंट में फ्लेक्शन जो होती है पोस्टीरियर की तरफ मूव करती है, और एक्सटेंशन जो है वो एंटीरियर की तरफ मूव करती है। अब हमारे पास सर्कमडक्शन है, जो कि चारों चीज़ें होती हैं। सर्कमडक्शन है मतलब फ्लेक्शन भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रही है, और एबडक्शन भी हो रही है, और एडक्शन भी हो रही है। ये चारों मूवमेंट जब होंगी तो हम कहते हैं सर्कमडक्शन। हमारे पास क्या होती है, एक लॉन्ग एक्सरसाइज है हमारे पास उसके अराउंड मूव करना। तो हमारे पास मीडियल रोटेशन क्या होगी, अगर हम फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट ले लेते हैं, अगर हमारा हम अपने आर्म को टूवर्ड्स द बॉडी रोटेट कर रहे हैं, तो उसको मीडियल रोटेशन कहेंगे। अगर ऐसे ही अगर हम अपने शोल्डर जॉइंट को
अगेंस्ट द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी मूव कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे लेटरल रोटेशन सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास जो है सुपीनेशन ऑफ फोर आर्म। अच्छा, सुपीनेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि जो हमारे पास पाम है वो फ्रंट फेसिंग कर रहा है हमारा। इसी तरह प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म क्या होगा कि जो हमारे पास बैक ऑफ द आर्म है इसको हम फ्रंट, हमारे पास हमें फ्रंट की तरफ आए, सिंपली ये है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टाइम लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक। अगर हमारी बॉडी ऐसे फ्लेक्स कर रही है, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द मीडियम पेन जा रही है, तो इसको हम कहेंगे लेटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, क्योंकि ट्रंक के लेवल पर फ्लेक्स हो रही है। नेक्स्ट है हमारे इन्वर्जन ऑफ फुट। अब इन्वर्जन ऑफ फुट से क्या मतलब है, इसमें जो हमारे पास प्लांटर सर्फेस, मतलब पाँव के नीचे वाली सर्फेस है, वो अगर मीडियम की तरफ, ये मीडियम पेन होता है हमारा, मीडियली या मीडियम पेन की तरफ हमारा फेस कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे इन्वर्जन ऑफ फुट। और उसका ही अपोजिट क्या होता है, इवर्जन। जो हमारी प्लांटर सर्फेस है अगर वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द मीडियम पेन है, तो उसको हम कहेंगे इवर्जन ऑफ फुट। जैसा कि अभी हमने एबडक्शन अडक्शन पढ़ा था, लेकिन ये एबडक्शन अडक्शन फिंगर्स के लिए, मतलब हमारे जो पाम है हमारा उसके लिए डिफरेंट होती है। अगर हमारे फिंगर्स एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, पूरा हम हाथ ऐसे खोल रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे एबडक्शन। लेकिन इसी तरह अगर हमारे फिंगर्स क्लोज आ रही हैं तो इसको हम कहेंगे एडक्शन। लेकिन ये हमारे थंब के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हमारा थंब ऐसे अंदर आ रहा है तो इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, और हमारा थंब अगर बाहर जा रहा है तो इसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। और इसकी एबडक्शन और एडक्शन डिफरेंट होगी। अगर हम ऐसे हाथ को ऐसे रखें तो एबडक्शन जब होगी जब हमारे उसे पाम से दूर जाएगा, और एडक्शन जब होगी हमारे पाम के करीब बिल्कुल जाएगा। अपोजिशन ऑफ थंब ऑफ लेटरल फिंगर इस चीज़ को कहते हैं। अगर हम थंब और अपने लेटरल फिंगर को एक साथ मिलाएं तो उसको हम कहते हैं अपोजिशन ऑफ थंब एंड लेटरल फिंगर।